Next question. Question says a circular coil ABCD carrying a current I is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic force on the segment AB is F, सवाल ये है the force on the remaining segment BCDA will be option से minus F या फिर 3F या minus 3F या फिर F. Simple conceptual सवाल है. सवाल ये है कि ये आपका एक कोई सर्कुलर लूप है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है और उसका नाम हमने दिया है ABCD. सो ये आपका A, B, C और D आपका सर्कुलर लूप है. ये वाला जो लूप है जिसको हमने A और B कहा है इसमें करंट I मान लीजिए इस तरह से फ्लो कर रहा है. सो ये वाला जो सेगमेंट है इसके ऊपर आपका फोर्स F अप्लाई हो रहा है. सवाल ये है कि बाकी जो सेगमेंट है आपका B, C, D, A इस सेगमेंट के ऊपर फोर्स कितना होएगा. ना ये बात अपने को पता है F नेट जो होएगा वहाँ पे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक आपका क्लोज लूप इसमें रखा हुआ है तो नेट फोर्स इसके ऊपर ज़ीरो होएगा. सो नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब क्या है विच मीन्स यहाँ पे F ड्यू टू ए बी प्लस F ड्यू टू ए इसको हम लिखेंगे बाकी का जो सेगमेंट है B, C, D, A इन दोनों का सम ज़ीरो होएगा. ये क्योंकि अपने को F दिया हुआ है सो विच एम्प्लाइज F, B, C, D, A विल बी इक्वल टू माइनस F. है ना. सो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन आपकी माइनस F हो जाएगी विच मीन्स ऑप्शन नंबर A माइनस F वुड बी द राइट आंसर.